हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का, जो 31 जनवरी यानी कि आज ही के दिन पब्लिश हुआ है, जारी हुआ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा देश के सामने रखा गया है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी की पॉइंट्स हैं इकोनॉमिक सर्वे के उनको देखेंगे, साथ ही कुछ बेसिक चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। और कल बजट आने वाला है तो लेटर ऑन हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी ये देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, बजट सेशन इज़ स्टार्टेड विद द एड्रेस ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग। बजट सेशन की शुरुआत हो गई है, और बजट सेशन की शुरुआत हुई है मतलब कि बजट अब इसमें पेश किया जाएगा, पास किया जाएगा। लेकिन शुरू सबसे पहले किस तरह से होता है, तो शुरू होता है प्रेसिडेंट के एड्रेस के साथ में। प्रेसिडेंट इस समय कौन है, द्रौपदी मुर्मू, और इन्होंने एड्रेस किया पार्लियामेंट को। और इन्होंने जो स्पीच दी उसमें कुछ की पॉइंट्स थे जो इन्होंने अपनी स्पीच में मेंशन किए, जैसे कि इंडिया फर्स्ट, सिटीज़न फर्स्ट। ठीक है, भारत फर्स्ट पर रहने वाला है, प्रायोरिटी रहने वाला है, और सिटीज़न जो हैं भारत के वो प्रायोरिटी रहने वाले हैं, इस तरह का इन्होंने अपने स्पीच में बोला। और इनकी स्पीच जो थी अमृतकाल से रिलेटेड थी, सबका विश्वास सबका प्रयास, ये इन्होंने बोला है अपनी स्पीच में। और इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पर भी फोकस रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन पर, इकोनॉमिक सर्वे इज़ पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे, तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब इकोनॉमिक सर्वे का थोड़ा सा बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है एक एनुअल डॉक्यूमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इस एनुअल डॉक्यूमेंट में क्या होता है, तो इसमें मोस्ट अथॉरिटेटिव और अपडेटेड सोर्सेज ऑफ डेटा ऑन इंडियाज इकॉनमी, इंडिया की इकॉनमी का अगर हम मानेंगे ना सबसे विश्वसनीय डेटा कौन सा है वो, तो उसी डेटा को माना जाता है जो सरकार जारी करती है। और सरकार किस तरीके से, इकोनॉमिक सर्वे के ज़रिए। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो गवर्नमेंट को बाइंड नहीं करता इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, संविधान इस तरह की कोई बाध्यता सरकार पर नहीं डालता है कि सरकार को इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करना है, लेकिन एक ट्रेडिशन के तौर पर यह चला आ रहा है कि बजट, नया बजट पेश करने से पहले सरकार ये बताती है कि पिछले वर्ष प्रदर्शन कैसा रहा और क्या क्या चीज़ें सरकार ने की हैं, कितना खर्चा रहा, क्या नहीं रहा, तो उस पूरा प्रदर्शन जो है एक तरह से इस सर्वे में दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु प्रिपेयर्स इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट, ये जो इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट है कौन प्रिपेयर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमने देखा कि तैयार करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसको रेडी करता है, आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये प्रिपेयर किया जाता है बाय द इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। इस समय चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है, ये हैं वी नागेश्वरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे वॉज प्रेजेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, हमारा आज़ाद भारत का पहला इकोनॉमिक सर्वे जो है वो किस साल प्रेजेंट किया गया था, आंसर होगा 1950-51 में। इससे पहले 1950-51 में पहली बार इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया था। 1964 तक क्या था ना कि ये प्रेजेंट किया जाता था अलोंग विद द यूनियन बजट, यूनियन बजट के साथ में ही इकोनॉमिक सर्वे भी प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन 1964 के बाद से ये चेंज कर दिया गया और इट हैज़ बीन डीलिंक्ड फ्रॉम द बजट। अगला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक सर्वे इज़ यूजुअली प्रेजेंटेड डैश बिफोर द यूनियन बजट, यूनियन बजट से कितने समय पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक दिन पहले, आज के दिन इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है, कल हमारा बजट आने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों हाउसेज में, ये भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में प्रेजेंट किया जाता है एक दिन पहले, बजट के अनाउंसमेंट से एक दिन पहले। ठीक है, अभी यहाँ देखते हैं, हु टेबल द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 इन पार्लियामेंट, 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे किसने पार्लियामेंट में टेबल किया, तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इनके द्वारा रखा गया। अभी यहाँ देख लेते हैं, अब शुरू करते हैं अपना इकोनॉमिक सर्वे जो है, की फाइंडिंग्स इसकी। तो सबसे पहली चीज़ जो मेंशन की गई और ये इकोनॉमिक सर्वे रखने से पहले, कि जो इकोनॉमी है इंडिया की, इसकी कुछ प्रायर कंडीशंस थी, कुछ अनसर्टेन टाइम से होकर गुजरा है पिछला एक साल पूरा। और ये तीन शॉक्स की बात की गई इसमें, कौन से हैं, कोविड-19, मतलब कोविड-19 को तो समय हो चुका है लेकिन हम उससे अभी भी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा एक क्या हुआ था शॉक, फेब में 2022 में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जिसकी वजह से फूड, फ्यूल, फर्टिलाइज़र, इनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, तो आर्थिक मंदी के हालात हमें विश्व स्तर पर देखने को मिल रहे थे। उसके बाद एक तीसरी चीज़ थी, इकोनॉमिक स्ट्रेस इन साउथ एशियन नेशंस, जैसे कि हमने श्रीलंका में देखा, पाकिस्तान में देखा,
और इसके साथ ही में साउथ एशियन नेशन में तो इकोनॉमिक स्ट्रेस था ही, जिसका ऑफकोर्स भारत पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि भारत के पड़ोसी देश हैं सारे। और इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग ऑफ डॉलर, डॉलर बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था, जिसका प्रभाव भी हमारी इकोनॉमी पर देखने को मिला। और ये कुछ प्रायर कंडीशंस थी जिनसे होकर हमारी इकोनॉमी गुजरी है, और इन सब के होते हुए भी हमने किस तरह से अपनी इकोनॉमी को का रिवाइवल किया है, ये चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में दिखाई गई हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। एज़ पर इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 इंडिया फोरकास्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ हाउ मच परसेंट फॉर द कमिंग फिजिकल ईयर, आने वाले साल में इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कितने रहने का अनुमान लगाया है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, 6.0 to 6.8%, ठीक है, 6 से 6.8% तक हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2023-24 में रहने वाली है, ये कहा गया है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे 2023 एक्सपेक्ट्स हाउ मच ग्रोथ इन जीडीपी इन नॉमिनल टर्म्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, नॉमिनल टर्म्स पर रहने वाली है 11%, ये बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर अब देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनकी जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है, ये बताया गया है ना, ग्रोथ प्रोजेक्शन कितना रहा। तो सारी कंट्रीज़ से कंपेयर करेंगे ना, देखिए पूरे वर्ल्ड की देखते हैं, अगर पूरे वर्ल्ड की कितनी रहा है ग्रोथ प्रोजेक्शन, तो 3.2 2022 में था, 2023 में 2.7, भारत का देखेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा है, 6.8 6.1। इसी तरह से सभी कंट्रीज़ का देखेंगे तो जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो भारत का सबसे ज़्यादा रहा है, ये दिखाया गया है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में। यहाँ पर देखें कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए इंडिया की ग्रोथ जो अलग अलग एजेंसी ने कितनी बताई है कि एवरेज ग्रोथ कितनी रहने वाली है, ये आपके एग्ज़ाम्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि IMF ने भारत की ग्रोथ रेट कितना अनुमान लगाया है या फिर RBI ने कितना लगाया है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ देखिए OECD का कितना है, 6.6%, ठीक है, IMF का है 6.8%, SBI ने भी 6.8 बताया है, RBI का भी 6.8 है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.9 रहने वाली है FY23 में, फिच और मूडीज़ के अनुसार रहने वाली है 7%, और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके अनुसार 7% रहने वाली है। तो ये कुछ हैं जो आपको याद रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ इंडियन इकॉनमी इन PPP टर्म्स, परचेसिंग पावर पैरिटी टर्म्स पर अगर देखें इंडिया की इकॉनमी जो है थर्ड प्लेस पर है, ठीक है, और वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है ओवरऑल अगर हम देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट ग्रोथ टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर हैज़ बीन रिमार्केबली हाई, कितने परसेंटेज ये रही है। ऋण जो देते हैं ना, क्रेडिट जो दिया जाता है, ऋण वृद्धि MSME फील्ड में, MSME सेक्टर में ये बहुत ज़्यादा हाई रही है, तो पूछा गया परसेंटेज इसका, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 30.5% ड्यूरिंग जनवरी टू नवम्बर 2022। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज्ड बाय, कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कितना इंक्रीज़ हुआ है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, तो ये है 63.4%। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, तो देखिए एक एक्सपेंडिचर तो वो होता है जो सरकार, जितने भी लोग सरकारी नौकरी पर हैं, सरकारी खर्चे जितने हैं, ऑफिसेज़ का खर्चा है, गाड़ी का खर्चा है, या जो भी वो खर्चे हैं ना सरकार के खर्चे, वो सब आ जाते हैं। और दूसरा एक खर्चा होता है जो सरकार करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो होने वाला खर्चा है उसको कहा जाता है कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा होगा ना, देश की ग्रोथ रेट उतनी ही ज़्यादा रहने की उम्मीद रहती है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर सरकार कर रही है तो इसका मतलब है कि नौकरियां जो हैं वो जनरेट होंगी, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो वो ग्रोथ में ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये कितना बढ़ा है, 63.4% रहा है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। RBI प्रोजेक्टेड हाउ मच हेडलाइन इन्फ्लेशन इन FY23। RBI, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में ये कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये बनाती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। इसी के लिए RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी एक गठित की जाती है, जिसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 जो RBI है वहाँ के मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए। तो ये 6 मेंबर्स मिलकर MPC जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसका गठन करते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं जिसके ज़रिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है।
अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई है, हिंदी में मौद्रिक नीति उसे बोलते हैं, उसके अनुसार ये कहा गया कि आरबीआई ऐसा कोशिश करेगी कि मॉनेटरी ये जो इन्फ्लेशन है 2 ± 4 रखने का कोशिश करेंगे, मतलब कि 2% से लेकर 6% तक इन्फ्लेशन रखने की कोशिश करेंगे, 6% से ज़्यादा ना जाए इस तरह का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि इन्फ्लेशन होना तो अच्छी बात है, क्योंकि इन्फ्लेशन होगा तभी रोज़गार मिलेगा लोगों को, है ना, बेरोज़गारी कम होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो है आरबीआई ये काम करता है, ठीक है, इन्फ्लेशन को इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसमें कहा गया है, इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि FY23 में आरबीआई अपना टारगेट रेंज से ऊपर निकल गया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में सफल नहीं रहा है पूरी तरह से, क्योंकि इन्फ्लेशन FY23 में रहा 6.8%, ठीक है। और कुछ समय पहले न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ भी आप लोगों ने देखी होगी, न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो, कि आरबीआई ने इसी संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की थी और वो गवर्नमेंट को सौंपी थी, ये बताते हुए कि इन्फ्लेशन ज़्यादा क्यों रहा, किस वजह से ज़्यादा रहा और आरबीआई क्या प्रयास करके उसको कम करेगी, ठीक है। और टारगेट ये वहाँ पर लिख दिया, टारगेट कितना होना चाहिए, और अभी इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि ये टारगेट से ज़्यादा है, आउटसाइड इट्स टारगेट रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फिर फॉरेक्स रिजर्व, इसमें क्या क्या होता है? तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो फॉरेन करेंसी एसेट्स जो कि आरबीआई के पास होते हैं, डॉलर्स में हो सकते हैं, येन में हो सकते हैं, युआन में हो सकते हैं, यूरो में हो सकते हैं, ठीक है। गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ आरबीआई, आरबीआई के पास जो सोना है, सोने का भंडार, वो भी फॉरेक्स में अकाउंट होता है, और एसडीआर, आईएमएफ का एसडीआर, इन सभी से मिलकर बनता है फॉरेक्स रिजर्व। इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया है कि जो रुपी है हमारा ये प्रेशर में आ सकता है इफ़ करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन्स, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो रुपी प्रेशर के अंदर आ सकता है, लेकिन यह भी कहा गया है कि हमारे पास इनफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, ठीक है। और अगर डेटा की बात करें तो ये बोला गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो हमारे रहे ऑन एन एवरेज जो रहे हैं हमारे फॉरेक्स रिजर्व वो थे 563 बिलियन यूएस डॉलर। सेंट्रल गवर्नमेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय हाउ मच इन FY23। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है वो कितना इंक्रीज हुआ है, तो इसका आंसर होगा 2.9%। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि GDP का कितना परसेंट सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च किया है। और इकोनॉमिक सर्वे में ये भी बताया गया है कि ये जो खर्च है इन सभी में किया गया है, जैसे कि रोड कनेक्टिविटी के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, पोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सागरमाला है, इलेक्ट्रिफिकेशन, उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक और गति शक्ति, इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं जिनके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर GDP का 2.9% खर्च किया गया FY23 में। अब ये कुछ चीज़ें देख लीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो है बताई गई है इकोनॉमिक सर्वे में कि 1998 से 2002 का जो टाइम था ना, 2014 से 2022 का टाइम, उसके काफ़ी पैरेलल रहा है। क्या क्या पैरेलल था, क्या क्या चीज़ें थी, तो 1998 से लेकर 2002 में और 2014 से 2022 में, इस दोनों ही टाइम पीरियड में हमें शॉक देखने को मिला इकॉनमी में, किस तरह का। तो यहाँ देखिए, 2001 में घटना हुई थी 9/11 की, है ना, USA में आतंकवादी हमला हुआ था, बैंकिंग और कॉरपोरेट सेक्टर जो था वो बहुत डाउन चला गया था। इसके अलावा भारत ने न्यूक्लियर डिवाइस टेस्टिंग 1998 ये फेस की थी उस टाइम पर, मतलब न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, वो सफल हुए थे, लेकिन उसकी वजह से इकॉनमी की हालत इसलिए ख़राब हुई थी क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ ने हम पर बैन लगा दिया था, है ना, बहुत से सैंक्शंस लगा दिए थे। इसी तरह 2014 से 22 को लेकर हम बात करें तो इस टाइम पर क्या हुआ, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेट सेक्टर, यहाँ की बैलेंस शीट स्ट्रेस देखा गया इस एरिया में, इस क्षेत्र में। इसके अलावा पेंडेमिक शॉक देखने को मिला, उससे उभर भी नहीं पाए थे, कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला, कमोडिटी प्राइस, फ्यूल के प्राइस, ये सब चीज़ें। तो इसलिए कहा गया इकोनॉमिक सर्वे में कि काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, काफ़ी पैरेलल हैं ये दोनों टाइम पीरियड। अभी इसमें ये बताया गया आगे कि
इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करने के लिए किस तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए, तो 1998 से 2002 के बीच जो किए गए थे वो यहाँ पर है। इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन किया गया था, एसेट रिकवरी फॉर बैंक्स किया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो हम आज देखते हैं वो उसी टाइम पर है, FRBM एक्ट लेकर आया गया था, ये सब किए गए थे उस समय पर रिफॉर्म्स। अभी की बात करें 2014 से 22 के पीरियड में, तो यूनिक आइडेंटिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, GST लीडिंग टू फॉर्मलाइजेशन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, प्राइवेटाइजेशन, टैक्स रेट रैशनलाइजेशन एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, फिर उसके बाद डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस, वैक्सीन रोल आउट, आत्मनिर्भर भारत, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के कुछ रिफॉर्म्स अभी रिसेंटली किए गए हैं जो काफ़ी कुछ सिमिलर हैं, है ना। और आगे यहाँ पर बताया गया कि ग्रोथ रिटर्न किस तरह से हुई और किस तरह से हम वापस पटरी पर आए, तो ये सिमिलैरिटीज़ दी गई, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इन फाइनेंशियल ईयर 23 एवरेज GST कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज्ड बाय, कितना हुआ है GST कलेक्शन, ये बताया गया है कि 1.49 लाख करोड़, लगभग 1.5 लाख करोड़ का GST कलेक्शन हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए फाइनेंशियल ईयर 22 में था 1.24 लाख करोड़, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, 1.4 लाख करोड़। ये जो टाइम है कोविड वाला टाइम है ये, है ना, 21 वाला, तो इस समय पर पूरा 1 लाख करोड़ नहीं हुआ था, तो अभी ये आप याद रखिएगा 1.4 लाख करोड़। ग्रॉस NPA रेशियो एट अ 7-year low ऑफ हाउ मच परसेंटेज, ग्रॉस NPA रेशियो जो है 7 साल में सबसे नीचे आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है बैंक्स के लिए। NPA क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो ये कितना लो हुआ है, कितने परसेंट, तो आंसर होगा 5%। और यहाँ भी देखिए सभी बैंक्स का, चाहे PSB की बात करें, SCB की बात करें, FB की बात करें, सभी का जो ये ग्रॉस NPA है ये लो हुआ है ना, नीचे आया है सबका। और अगर बात करें प्रोविजनिंग कवरेज रेशो, प्रोविजनिंग की जाती है कि कुछ हिस्सा ना, कुछ मनी रख दी जाती है रिजर्व करके, तो ये जो प्रोविजनिंग है इसको भी हम देखते हैं, या तो बराबर रहा है या फिर थोड़ा ज़्यादा ही रहा है, है ना, तो ये भी एक अच्छी बात दिखाई गई है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ 2005 to 2019 and 2020 गवर्नमेंट टेकन आउट हाउ मेनी पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, ये बोला गया है कि 2005 से लेकर 2019-20 के काल में, मतलब इन 15 सालों में, 15 ईयर्स में, गवर्नमेंट 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लेकर आई है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, कितना साल का ये बताया गया है पूरा डेटा, 15 साल के काल में 41.5 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट पॉवर्टी से बाहर लेकर आई है, इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज़ बताई गई है। और यहीं यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अगर देखें तो कितनी कितनी है, नंबर के हिसाब से या फिर परसेंटेज के हिसाब से, तो ये कम हुई है 2015-16 से 19-20 में हम देखते हैं तो कम हुई है परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी, और अगर हम नंबर वाइज देखते हैं तो वो भी कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स सोशल सर्विस सेक्टर एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021-22 to 2022-23, मतलब 2021-22 से लेकर कितना बड़ा है 2022-23 में गवर्नमेंट का सोशल सर्विस सेक्टर एक्सपेंडिचर। सोशल सर्विस सेक्टर एक्सपेंडिचर कौन सा है, तो आप मान सकते हैं जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, ठीक है, इस तरह के जो एक्सपेंडिचर है ना वो कितना बड़ा है, तो वो बढ़ा है सरकार के द्वारा 0.5%। यहाँ आप देखिए जो 2021-22 में था कितना था, 26.1% था, और 2022-23 में बढ़ाकर कितना हो गया, 26.6%, तो कितना बढ़ा, 0.5%। ये थोड़ा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है क्वेश्चन, मुझे समझ में नहीं आया इसको कैसे फॉर्म करना है, तो मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया, ये देख लेते हैं हम। तो नेट ज़ीरो एमिशन, ये प्लेज हमारा कब तक है, 2070 तक का, तो ये बताया गया है कि कुछ कंट्रीज़ हैं यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि कितना कितना प्लेज है कंट्रीज़ का, जैसे कि हम जर्मनी का देखते हैं तो 2045 तक जर्मनी का ये लक्ष्य है कि नेट ज़ीरो एमिशन कंट्री ये बन जाएगा 2045 तक, हमारा कब तक है, 2070 तक। 2060 तक भी कुछ कंट्रीज़ का है, जैसे चाइना, इंडोनेशिया, रशिया, सऊदी अरबिया, टर्की का है 2053 तक का, 2050 की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ये सारी कंट्रीज़ जिसमें USA, UK, कोरिया भी इसमें है, साउथ अफ्रीका है, जापान, इटली, फ्रांस, EU, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना।
तो इसको बस देख लीजिएगा, हमारा लक्ष्य कब तक है, 2070 तक, और 2045 तक है जर्मनी का। ये देख लीजिए यहाँ पर नेशनल एक्शन प्लान, प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ये भारत का है और इसमें ये बताया गया है कि प्रोग्रेस किस तरह से रही है। ठीक है, ये जो 8 मिशन है हमारे, 8 नेशनल मिशन है इसके तहत, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, इसके तहत 8 मिशन है। ये 8 मिशन कौन से हैं? नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी इफिशियंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये टोटल 8 मिशन हैं जो NAPCC के तहत आते हैं, और यहाँ पर अचीवमेंट्स दिखाई गई हैं इकोनॉमिक सर्वे में कि क्या क्या अचीवमेंट रही हैं इस मिशन में। ठीक है, अभी यहाँ पर बताया है कि COVID-19 शॉक के समय और उसके बाद जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, वो उसने अपनी ग्रोथ किस तरह से दिखाई है। तो इस फिगर के ज़रिए समझ लीजिए, बस इतना काफ़ी है। जैसे कि हम देखते हैं 2018-19 में 2.1% था एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का ग्रोथ, फिर 2019-20 में काफ़ी ये बढ़ गया, 5.5 था, फिर कम हो गया कोविड के टाइम। देखिए, जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ जिस सेक्टर की हुई थी ना, वो यही वाला था, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। क्यों हुई थी? क्योंकि हमने देखा कि ज़्यादातर जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो अपने अपने गांव वापस लौट गए थे, और गांव जाकर जब नौकरियां नहीं हैं तो क्या करेंगे, खेती करेंगे। तो इसीलिए इस जो ये जो सेक्टर है, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। फिर ये बाद में 2020-21 में कम हुई थी 3.3, और अभी 2021-22 का जो डेटा आया है इकोनॉमिक सर्वे में, वो 3.0 है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और इसी के साथ ये हमारा ख़त्म होता है इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो। मैंने कोशिश की है कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें रही हैं उनको मेंशन कर दिया जाए, और बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा बल्कि होना वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इतनी ही चीज़ें थी जो हमारे एग्ज़ाम के लिए और हमारे समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अब बजट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।